दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कास्ट का कैसे पता कर सकते हैं। अक्सर ज्यादातर आप फॉर्म भरते होंगे दोस्तों, तो उसमें सामान्य, अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा, या EBC, SC, ST या दोस्तों नॉर्मल, इस तरह के जो है आपको बार बार भरना पड़ता होगा और आप जो है नहीं जान पाते हैं कि मैं SC में आता हूँ, ST में आता हूँ या EBC या जो भी नॉर्मल में आता हूँ या BC1 में आता हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से चेक कर पाएंगे कि आप कौन से कास्ट में आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कास्ट का पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिस्ट डाउनलोड करना होगा। इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए हैं दोस्तों, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपका मन हो, और वहाँ पे मैसेज कीजिए दोस्तों, तो ये मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इस लिस्ट को आप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबका जो सरनेम दिया गया है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरनेम दिया गया है, तो आपको इसमें पूरे बारीकी से आपका अपना सरनेम ढूंढ लेना है। इसमें दोस्तों मान लीजिए कि इस लिस्ट में आपका जैसे पता चल जाता है आपका सरनेम क्या है, तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर आपका इस लिस्ट में नाम आता है तो आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आएंगे या फिर इंग्लिश में BC1 या EBC में आएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखना है, और इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों तो BC1 या EBC आपको लिखना है। इसी तरह से दोस्तों आप देखिए इसमें जो है सो BC1 में भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट हैं, तो आप पूरे बारीकी से इसमें जो है सो ढूंढ लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपका BC1 में नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है सो पिछड़ा वर्ग BC2 या BC दिया हुआ है, तो उनके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है सो पिछड़ा वर्ग BC2 या BC में आपको पूरे बारीकी से आपको अपना सरनेम ढूंढ लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अपना सरनेम ढूंढना है, तो मान लीजिए दोस्तों इसमें आपका जो है सो इस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप सिंपली जो है सो पिछड़ा वर्ग में आएंगे या फिर BC2 BC में आएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो पिछड़ा वर्ग लिखिएगा, उसके बाद अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो BC2 या BC लिखिएगा अगर आपका इस लिस्ट में नाम आते हैं तो। उनके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आप BC2 में भी आपका नाम नहीं आया, तो आपको सिंपली इस तरह से नीचे आ जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है सो दो लिस्ट दिया हुआ है, पहला तो है दोस्तों अनुसूचित जाति SC और दूसरा है दोस्तों अनुसूचित जनजाति ST। तो दोस्तों पहले आप इस लिस्ट में ढूंढिए, अगर आपका इस लिस्ट में नाम आता है तो आप सिंपली SC में आएंगे। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या कहीं आपको टाइप करना है दोस्तों, तो आप SC टाइप कीजिएगा या फिर दोस्तों आप SC सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हिंदी में जो है दोस्तों फॉर्म भरने कोई, तो आपको सिंपली अनुसूचित जाति को सिलेक्ट करना है अगर दोस्तों आपका इस लिस्ट में नाम आते हैं तब। अगर दोस्तों इस लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता है तो आपको सिंपली अनुसूचित जनजाति यानी ST में आपको चेक करना है। तो ST में चेक करने के लिए दोस्तों देखिए इसमें जो है लिस्ट दिया गया है, तो आपको इसमें पूरे बारीकी से एक एक करके ढूंढना है। ध्यान दें दोस्तों, इसमें संपूर्ण बिहार का जो है सो यहाँ पे कास्ट लिस्ट दिया हुआ है, तो आप पूरे बारीकी से ढूंढिएगा दोस्तों, एक एक करके आपको जो है सो बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको जो है सो ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन इसमें जो है सो पूरे बिहार का दिया हुआ है, तो आपको इसमें आपका भी कास्ट लिस्ट का पता चल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने कास्ट लिस्ट का पता कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।